Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So guys, we have completed successfully the chapter number 6, Work, Power and Energy. उसमें हमने work को देखा, power समझे, energy समझे, everything deal कर लिया है. अब देखिए, अभी तक हम लोग जो motion कर रहे थे, अभी के सारा का सारा motion कैसा था? Linear motion था, जिसको rectilinear motion की मतलब ऐसे जाना, okay, इसी में accelerate होना, इस तरीके से जाना, ये स्ट्रेट पाथ में मोशन करना, फिर इसके बाद घूम जाना ऐसे वैसे. तो ये जो मोशन की कैटेगरी होती है, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, अगर आप स्ट्रेट लाइन में हैं तो वन डायमेंशन मोशन है. अगर आप इसमें मोशन कर रहे हैं बट आप मल्टीपल पाथ अगर कर रहे हो तो इस मोशन को ऑल टोटल हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. फिर आपने देखा सर्कुलर मोशन. एक आपने देखा क्या सर्कुलर मोशन, मतलब एक फिक्स ऑर्बिट के अराउंड में आप पार्टिकल आपका मूव करता था, मोशन करता था, ठीक ना. अब आप एक नई कैटेगरी मोशन की देखने वाले हैं, जिसमें एक कोई बॉडी है या आप हैं, आप अपनी ही कोई एक्सेस डिसाइड कर लो और उसके अबाउट आप घूम रहे हो, है ना. जैसे आपने अर्थ को जानते हो, अर्थ 24 घंटे में खुद का एक रोटेशन लगा लेती है, अर्थ 24 घंटे में खुद का एक रोटेशन लगा लेती है. या बचपन में यदि आपने फिरकी चलाई हो तो आपने देखा होगा फिरकी जो होती है वो अपने एक्सेस के अबाउट जो होती है घुमा करती है, फिरंगी, समझ गए ना. और चक्री भी होती है, मेले वगैरह मिलती है ना, इस तरीके से कुछ रहती है, वो अपने एक्सेस के अबाउट जो होती है वो घुमा करती है. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना. तो अब ये एक्सेस है, आप अभी भी आपने स्कूल में देखा हो, स्केल आता है, वो एक स्केल आता है, ऐसा स्केल आता है, उसमें होल्स रहते हैं, ये 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 आई होप आपको मिला होगा ये स्केल. तो बच्चे क्या करते हैं टाइम पास करने के लिए, इसमें पेंसिल फंसाते हैं और इसी को घुमाना शुरू कर देते हैं, फिर इसको बीच इससे घुमाते हैं, फिर इससे घुमाते हैं, फिर इससे घुमाते हैं. सबसे मज़ेदार वाला जो घुमाना होता है वो लास्ट वाले में बढ़िया घूमता है, बोलो हाँ, है ना. हाँ, तो ये आप देख रहे हो कि ये जो रोटेशन हो रहा है ना, है ना, ये मुझे मोशन कहलाता है. इसको हम बोलते हैं रोटरी मोशन. क्या बोलते हैं बेटा? रोटरी मोशन, रोटेशनल मोशन. सर्कुलर मोशन नहीं बोलते हैं, याद करो मैंने क्या बोला, रोटेशन, रोटरी मोशन. तो रोटरी में क्या है, अभी तक क्या था कि जो एक्सिस था सर्कुलर मोशन में, एक्सिस जो था बॉडी ये है और एक्सिस बॉडी के बाहर है, एक्सिस बॉडी के बाहर है. रोटरी में जो एक्सिस होगा वो खुद बॉडी के कहां से होगा, अंदर से जाएगा. कहां से जाएगा, अंदर से जाएगा. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इस चैप्टर को हमको पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि लीनियर मोशन में होता क्या था, लीनियर मोशन में यह था कि अगर आप किसी कोई ब्लॉक को दौड़ा रहे हो, हर ब्लॉक की सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन से दौड़ा करता था पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन और सेम वेलोसिटी से आप उसको मूव करते थे, यस नो. इसलिए आप उसको मान लेते थे पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्या मान लेते थे, ये आपने पढ़ा भी है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बताया भी था आपको. तो अब बट अब देखो भाई साहब, अब ये जो ये है ना, ये कोई ब्लॉक है, अगर ये घूम रहा है तो भाई साहब ये जो ब्लॉक घूम रहा है, इसके ब्लॉक की इस पॉइंट की दो वेलोसिटी होंगी, एक एंगुलर वेलोसिटी एक लीनियर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम होगी क्योंकि सारे पार्टिकल सेम एंगल ट्रेवल करेंगे, सबके सब क्या अंकल ट्रेवल करेंगे सेम एंगल. अगर ये वाला घूम करके ऐसे आ जाएगा तो ये भी 90 करेगा, तो ये वाला भी घूम करके यूं आ जाएगा, तो इसका भी कितना होगा 90 होगा. मगर सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी. लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग. क्यों होगी देखेंगे, ठीक है ना. तो अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है ना. कुछ ऐसा समझ लो कि यदि मेरा हाथ है ये और तुम दो जन खड़े हुए यहाँ पे, बच्चे दो लोग खड़े हुए, ये सुनो, और मैं हाथ को घुमाते हुए ला रहा हूँ तो इस वाले को झापड़ मेरा कम से पड़ेगा और ये जो किनारे वाला है इसको झापड़ मेरा दूर से पड़ेगा. स्कूल में देखा होगा पहले टीचर जो है बच्चे को दूर खड़ा करता है आराम से झापड़ मारने के लिए, ऐसा होता अब नहीं है, पहले हमारे टाइम में खूब होता था भाई दूर करने के लिए. फिर वो क्या करता था, फुल स्पीड में उसको लेकर के आता था और झापड़ लगता था क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती थी रेडियस होने से. बोले सुनो, एक्चुअली ये फॉर्मूला बनेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा. वी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, अब रेडियस पे डिपेंड करेगा. रेडियस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये सुनो. मतलब लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे. किस पे डिपेंड करती है, बोलो आगे बात समझ ना. हाँ, तो रेडियस जितनी ज़्यादा होगी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, बोलो क्लियर हो गया, यस. तो आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं. तो चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन. तो यहाँ पर चैप्टर में दो चीज़ें कवर होनी है. पहली चीज़ कवर करनी है हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल. तो इसमें हम पार्टिकल के सिस्टम की स्टडी करेंगे, जिसमें हम एक बॉडी देखेंगे, इसको आप लोग बोल सकते हैं रिजिड बॉडी. क्या बोलते हैं बेटा, तो रिजिड बॉडी की कुछ शर्तें हैं कि इसमें नंबर वन फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन नहीं होना मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना. मतलब इसको आपने फोर्स लगाया तो ये ब्लास्ट हो जाए, टूट जाए. जैसे आपने देखा पत्थर क्या हुआ है,
पत्थर। अब पत्थर को आप ठोकोगे हथौड़े से तो पत्थर ये नहीं कि जहाँ पे ठोका यहाँ पे ठोका तो मान लो ये घुस गया, ऐसा तो नहीं होता ना, पत्थर यहाँ से टूट जाएगा। बोले सुनो, तो ऐसी बॉडी को जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक है ना। तो ये जो जितना चैप्टर हमको लगाना है ये हमको सबको रिजिड बॉडी लगाना है। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी जो होती ना उसमें लगाए गए फोर्स का जो इफेक्ट होता ना वो डिफॉर्मेशन के रूप में सामने नहीं आता है। वो लगाया गया फोर्स क्या देगा, सीधा सीधा उसको एक्सेलरेशन ही देगा। क्या करेगा? एक्सेलरेशन ही देगा। अब भैया आपने यदि मान लो ये फोम है, फोम मैंने गद्दा, अब गद्दे में आपने यहाँ पे मारा मुक्का, बोलो हाँ सर भाई साहब, अब यहाँ की पूरी जो रुई है अंदर धंस गई, बोलो ऐसा नो, क्या गद्दा मूव करेगा? नहीं करेगा। बोलो ऐसा नो, नहीं करेगा। यदि इसी के जगह मैंने कोई सॉलिड चीज, कोई डब्बा अब्बा ले लिया होता, अब आप इसको मारते, ठोकर देते, तो ये मूव करता कि नहीं करता? बिल्कुल करता ना, क्योंकि वहां पर क्या हो जाती है, रिजिड बॉडी हो जाती है। क्या हो जाती? रिजिड बॉडी। आइए बात करते हैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की। किसकी बात करेंगे? सेंटर ऑफ मास की। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सेंटर ऑफ मास, हालांकि पहले भी जरूरी था, क्योंकि जब भी आप जैसे कोई कार खड़ी होती थी, कार में आपने फोर्स लगाया है तो आपने पूरी बॉडी को एक स्मॉल पार्टिकल मान लिया था, और उसका मतलब आपने जो एक्शन किया वो उसके सेंटर ऑफ मास पे किया। किस पे किया है? सेंटर ऑफ मास पे। आपने पूरी कार तो नहीं बनाई भाई, आपने कार के धक्का पीछे मारा, बट आप इसके पूरी कार पे आप फोर्स दिखाया करते थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास क्या है। बेटा आपके पास कोई पेन है, आप उस पेन को उठा सकते हो उंगली के सहारे एक कोई पॉइंट पे, आपका पेन हवा में उड़ जाएगा, ठीक है ना। आपका पेन उस पॉइंट से हवा में उड़ जाएगा, तैरने लगेगा, बोले सुनो आजू बाजू तैरने लगेगा। और यकीन मानो अगर आप किसी अलग पॉइंट से उस पेन को उठा रहे हो तो वो गिर जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है इस पर पूरा का पूरा मास क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। मतलब भाई साहब ये पेन है तो पेन का पूरा एम जी कहाँ रहा है, नीचे, और उसी एम जी को आपने ऊपर दे दिया है। मैंने उंगली का फोर्स क्या है, एम जी ऊपर की ओर, बोलिए सुनो, ठीक है ना। देखिए मैं भी सेट नहीं कर पा रहा, एक्चुअली मैं पेन को साधने का प्रयास कर रहा हूँ, बट मेरा सेंटर ऑफ मास अभी मिल गया था बट अब नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो, थोड़ा सा ये पेन की इंक शायद ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास इसका डिस्टर्ब हो गया। ओके मिल गया। आपको मैं बता दूँ कि यदि इंक ख़त्म होती जाएगी तो सेंटर ऑफ मास भी बदलता जाएगा, समझ गया ना, क्लियर हो गया। हाँ तो ये देखिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि नीचे की ओर क्या लग रहा है, एम जी, आपने भी ऊपर क्या लगा दिया बेटा, एम जी, और ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया, एक पॉइंट पे बैलेंस करना। चलिए सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ द सिस्टम इज द पॉइंट दैट बिहेव्स एज वोल मास ऑफ द सिस्टम कंसेंट्रेटेड एट इट एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। मतलब भाई साहब यदि कोई बल्क बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास की थ्योरी ये कहती है कि इसका जो पूरा मास है वहां पर एक्ट करता है, और अलग अलग पार्टिकल में बल ना लगा करके, यदि आप कितना भी बल लगा रहे हो, कितना भी फोर्स लगा रहे हो, तो माना यह जाएगा कि वो सारा का फोर्स फोर्स कहां पे काम कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। अब देखिए जैसे ये हाथ में आपने पेन टिप पे अपनी उंगली की टिप पे अपनी आपने पेन नहीं रखी है, ये टिप पे आपने पेन रख रखी है, बोलिए हैं सुनो, तो यहां पे भी मास है, एम जी यहां पे भी लग रहा है, एम जी यहां पे भी लग रहा है, एम जी यहां पे भी लग रहा है, बट ऐसा कुछ कंसेप्ट बनाया कि इस पूरे बार का जो मास होगा यहां पे डिपेंड करेगा, बोलो हाँ। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग, उस फोर्सेस को कंसंट्रेट यहां पे माना जा सकता है, मतलब टोटल मास यहां पे होगा तो फोर्स भी यहीं पे लगेगा। ओके क्लियर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज अ पॉइंट दैट बिहेव एज होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड इट एट इट एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। मतलब अलग अलग फोर्सेस ना लगा करके 10 फोर्सेस की जगह केवल एक फोर्स लगाओ, बट किस पे लगाओ, सेंटर ऑफ मास पे। फॉर रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी वेदर इट इज इन रेस्ट और एक्सेलरेटेड मोशन सेंटर ऑफ मास विल बी रिमेन सेम। जी भाई साहब, गाड़ी चले या रुकी रहे, कुछ भी चले, एक्सेलरेटेड हो नॉन एक्सेलरेटेड हो, अगर रिजिड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कभी बदलता नहीं है। किसके लिए भैया? रिजिड बॉडी के लिए। किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए। परंतु यदि बॉडी रिजिड नहीं है तो हमारा सेंटर ऑफ मास बदलेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं इंसान हूं, मैं रिजिड नहीं हूं भैया, मैं रिजिड नहीं हूं, यस और नो? आप घूसा मारोगे किसी के पेट में तो पहले तो उसकी पसलियां अंदर दब जाएंगी, बोलो हाँ, पक्की बात ना, तो उसका पेट का अंदर मांस दब जाएगा, बोलो ऐसा नो? फिर जब जा करके रुकेगा तो मतलब रिजिड नहीं है, बोलो ऐसा नो? और दूसरी बात, हम फ्लेक्सिबल भी हैं, हम अगर खड़े हुए हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास अलग जगह रहेगा, और अगर हम बैठ गए तो हमारा सेंटर ऑफ मास अलग जगह रहेगा। हम अगर उकड़ू बैठ गए, बोलो जी हम कैसे बैठ गए, उकड़ू बैठ गए तो हमारा सेंटर ऑफ मास अलग जगह रहेगा। हम पालथी मार करके अगर बैठ गए तो हमारा सेंटर ऑफ मास
अलग जगह रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि हम रिजिड नहीं हैं, हम रिजिड नहीं हैं। क्लियर हो गया? तो मैं आपको बताऊं एक टिपिकल फिनोमेना है बच्चों, सेंटर ऑफ मास का बड़ा कलाकार चमत्कार होता है। अगर कभी आप स्विंग झूले पे खड़े हो, पट्टे वाला झूला जो लगा रहता है, आप स्विंग झूले पे बैठ करके बिना किसी के हिलाए, बस एक बार कोई हिला दे, उसके बाद आप पूरा झूला अपने सेंटर ऑफ मास से आगे पीछे कंट्रोल कर सकते हो। यस और नो? इनको झूलने की टेक्निक पता होती, पैर लंबे खींच देते हैं तो झूला आगे जाता है, यस और नो? फिर पैर पीछे खींच देते हैं तो पीछे चला जाता है। मतलब ग्रेविटी आपकी बॉडी के एडजस्टमेंट से आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर और फिर नीचे, ऊपर और नीचे, समझ गए ना? कुछ लोग और लंबा झूलना होता है तो खड़े हो जाते हैं, फिर उसको बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं फिर बैठ जाते हैं, ये सुनो। तो ये सेंटर ऑफ मास का कमाल है, धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि होता क्या है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। एन पार्टिकल सिस्टम है, एन ऑब्जेक्ट का सिस्टम है, एन पार्टिकल्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास क्या है? ये देखो भाई, ये मान लीजिए भाई साहब आपके पास में, सबसे पहले एक्सेस समझ लो, ये यहां पे आपके पास पहला मास है M1, और इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है बेटा जी? R1। कितनी है? R1। क्लियर हो गया ना? ध्यान से देखना, ये पोजीशन वेक्टर R1 है। अगला है M2, और इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? R2। अगला है यहां पे M3, ऐसे ऐसे करते करते Mn, n ऑफ n पार्टिकल्स है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? Rn। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होती है? पोजीशन होती, जगह होती है, तो हमको निकालना है जगह। तो देखिए सेंटर ऑफ मास, R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट 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 एम एन आर एन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 कितना एम एन। आगे बात समझ में? तो इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल ऑफ मास M1 M2 M3 Mn हैविंग द पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ये होगा। बोलो आ गया समझ में जी? अब इसको सिग्मा नोटेशन में क्या लिखते हैं भाई? सिग्मा नोटेशन में इसको लिखते हैं, सारे जुड़ रहे हैं, एम भी बदल रहा है, आर भी बदल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा एम बदलना मतलब आई, वेरिएबल आई, आर बदल रहा है आई, ओके, डिवाइडेड बाई सिग्मा मास बदल रहा है आई। आगे बात समझ में? आई कहां से कहां तक बदल रहा है? आई बदल रहा है वन से लेके कहां तक? एन तक, क्योंकि पहला पार्टिकल है पहला और लास्ट पार्टिकल है एंथ पार्टिकल। बोलो ये सुनो, क्लियर हो गया? अब भैया एक्स पोजीशन सेंटर ऑफ मास की और वाई पोजीशन सेंटर ऑफ मास की हम निकाल लेते हैं, और थ्री डी में होगा तो जेड पोजीशन निकालोगे। कैसे निकलेगा? एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, ठीक है ना? तो अपॉन आर, आर की जगह क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट, तो आर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री। क्लियर हो गया? यदि नहीं क्लियर हुआ तो एक सीन में आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए मैं दो पार्टिकल का सिस्टम ले लेता हूँ, दो पार्टिकल, एक M1 है और एक क्या है M2 है। इसकी पोजीशन है R1, इसकी पोजीशन है R2। आपको मैंने पढ़ाया है 2D में कि R1 आप लिखते हो क्या? R1 लिखते हो X1 Y1 है, तो R1 लिखते हो X1 I कैप प्लस Y1 J कैप, लिखते हो ना? तो आप मान लो कि दो 3D है तो 3 ले लो भाई, लव लो यार, जेड वन के कैप 3D मान लो, तो क्या बनेगा? M1 R1 प्लस M2 R2। ऐसे R2 दूसरा जो पार्टिकल है यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल की पोजीशन में मान लेता हूँ क्या? X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, ठीक है? चलिए अब इनको सीन को देखते हैं अपने पास, तो अपन इसका फॉर्मूला बनाता हूँ, देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला। क्या भैया फर्स्ट फॉर्मूला है? R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 R1, तो M1 R1 की जगह क्या है? X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 के कैप प्लस M2 R2 X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, क्लियर? अपॉन M1 प्लस M2। अब एक काम करिए, R सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भी कितने कोऑर्डिनेट लेगा? तीन कोऑर्डिनेट लेगा, क्योंकि 3D है, तो 3D में कोई कोऑर्डिनेट इसका कहीं पर सेंटर ऑफ मास, मान लिया मैंने कितना X Y Z मान लिया ना, तो भैया यहां पे मैं R सेंटर ऑफ मास की जगह लिख सकता हूं वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का वेक्टर बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बनेगा। अब आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो, देखो आई कैप के साथ कौन कौन आएगा? एम वन एक्स वन और एम टू एक्स टू, तो यदि मैं लिखूं यहां पे तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू और ब्रैकेट में क्या आएगा? एम वन प्लस M2 और यहां पे बाहर क्या जाएगा? I कैप। इसी तरीके से भैया Y वाले में जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2, इधर पे क्या जाएगा? J कैप। और यहां पे M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2 और यहां पर क्या आएगा? K कैप। तो देखिए कंपेयर करिए तो ये हो गया X, तो X की पोजीशन ये लेगा, Y की पोजीशन ये लेगा और Z की पोजीशन ये लेगा। बोलिए क्लियर है? तो ये तीन हमारे पास सेंटर ऑफ मास, तो भाई साहब अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा।
है ना जी, कि x की पोजीशन का सेंटर ऑफ मास ये होगा, y की पोजीशन का सेंटर ऑफ मास ये होगा और z की पोजीशन का सेंटर ऑफ मास ये होगा। क्लियर है? तो आपको तीनों सेंटर ऑफ मास निकालने को आएंगे। कहां से निकालोगे भाई साहब? याद रखना, ओरिजिन से। कहां से निकालोगे? ओरिजिन से। अब आप कहोगे सर ओरिजिन किसको माने? यार जिसको तुम्हारा मन तुम मान लेना ओरिजिन, समझ गए ना। अगर कोई लेंथ ऐसी, कोई पट्टी ऐसी रखी हुई है, तुम कहोगे मेरे को इसको ओरिजिन यहां से मानना है, बिल्कुल मान लो, तो ये बन जाएगा 0.0। क्लियर हो गया ना? और अगर बीच में कहीं मान रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, चूज ओ एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। लियो, तो मैंने बता दिया ना। ये देखिए भैया, दो पार्टिकल के लिए सेंट दिस पोजिशन ऑफ द मास फ्रॉम एम वन। देखो बेटे, अब देखिए टू पार्टिकल सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम है। अब पहला है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम वन। एम वन से सेंटर ऑफ मास की दूरी, दो पार्टिकल है एम वन और एम टू, तो याद करिए इसको, एम वन से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होती है वो होती है एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू। डी क्या है? दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप। और अगर आप एम टू से बात करेंगे, किससे बात करेंगे, तो क्या आएगा? एम वन डी अपॉन एम वन प्लस M2, ये सेंटर ऑफ मास है, समझ गए ना। मतलब दो पार्टिकल कनेक्ट हो रहे हैं, एक का मास है M1 और एक का मास है M2, ठीक है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D, है ना। आपसे बोला गया M1 से सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पर है, मान लो। अब जो सीधी बात है यार, जिसकी जो भारी होगा उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये भारी होगा, M2 भारी होगा तो इधर खसक जाएगा, और M1 भारी होगा तो इधर खसक जाएगा। बोले यस और नो? एम वन भारी होगा तो इधर खसक जाएगा, क्लियर है ना। हाँ, तो एम वन भारी होगा तो इधर खसक जाएगा। अब आपको बोला गया एम वन से निकालो, तो याद फॉर्मूला याद रखना, एम वन से सेंटर ऑफ मास जो निकलेगा वो होगा एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू। और अगर एम टू से निकलवाओगे तो बोलो क्या होगा? एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम टू। बोलो क्लियर है ना भाई? ठीक है, बस वही दो फॉर्मूले। अब इसके बाद ये तो मैंने पढ़ाई दिया भाई साहब, ये देख लो, R सेंटर ऑफ मास, ये क्या M1 की पोजीशन R1 और इसकी कितनी R2, तो M1 R1 अपॉन M2 R2, बोलो प्लस M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहां पर इसका ये सेंटर ऑफ मास बैठा हुआ। बोलो सुनो, अगर मान लो ये बॉडी मूव करने लग गई, तो ये भी v वेलोसिटी से मूव करेगा, ये भी v वेलोसिटी से, ये भी v वेलोसिटी से मूव करेगा, बोलो है ना। तो सब पे चेंज आएगा, तो मेरे को निकालना है वेलोसिटी। तो कहीं क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी आर बाई डी टी। तो बोलो क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला? एम वन वी वन, क्योंकि आर वन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो बेटा ये बन जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस M2। क्लियर हो गया? तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि इफ द टू पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल M1 एंड M2 मूविंग विद द वेलोसिटी V1 एंड V2, देन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इतना। बोलिए ये सुनो, अगर इसी को फिर से आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। सो M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। कहिए ठीक है ना जी? सो ये आ गया भाई साहब एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगला है, कुछ टिप्स हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अलग थलग आइसोलेटेड सिस्टम, जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, है ना। फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, है ना। इट मींस आइसोलेटेड सिस्टम विल बी इन रेस्ट इफ इनिशियली इट इज रेस्ट। मतलब यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम शुरुआत में रेस्ट में था, बोलो हाँ, तो बिना फोर्स लगाइए मोशन में नहीं आएगा, मतलब ये रेस्ट में ही रहेगा। बोलो ये सुनो, और अगर यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था तो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो लिखा हुआ है और इट विल मूव विद द सेम वेलोसिटी इफ इट इज इनिशियली सेम यूनिफॉर्म मोशन। द पोजीशन ऑफ द सेंटर मास डिपेंड ऑन द शेप साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। देखो भाई, ये बहुत चीज है कि सेंटर ऑफ मास किस चीज पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास किस चीज पे डिपेंड करता है। बोलो जी भाई, एक फ्लैट इंसान है, उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल शरीर के बीचों बीच, वैसे तो हो ही नहीं सकता शरीर के बीचों बीच, क्योंकि यार बॉडी का ऊपर का मास ज्यादा होता है और नीचे का मास क्या होता है? कम होता है। बॉडी ऊपर वेटेड होती है, पैर के नीचे क्या होती है? कम होती है, हाँ, है ना, क्योंकि सारा का सारा मांस का सिस्टम यही तो है, तो सेंटर ऑफ मास वैसे यहां ज्यादा होता है, समझ गया ना। बट भाई साहब, जो इंसान मोटा हो गया और ज्यादा मोटा हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास बिगड़ जाता है, कहीं इधर उधर डिस्टर्ब हो गया, ये सुनो। कोई बीमारी हो गई, पैर वैर का वेट बढ़ गया, इधर का वेट बढ़ गया, तो सेंटर ऑफ मास फिर से चेंज होकर बेटा दूसरी जगह आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर?
मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, किसके ऊपर, हाँ शेप पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, मेनली किस पर डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, शेप और साइज पे तो करेगा ही, समझ गए ना, शेप कैसा है, अरे भाई शेप ही से तो तय होगा, क्लियर हो गया ना, और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे तो आप तो अगर पेन का ढक्कन लगा के देख लो, आप पहले इसको उंगली पे पेन को सधा लो और फिर ढक्कन लगाना, जैसे ही ढक्कन लगाओगे देखना आपका सेंटर ऑफ मास बिगड़ जाएगा और आपको उंगली दूसरी जगह सेट करनी पड़ेगी, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन। दस अगला, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट नीड लाई विद इन द ऑब्जेक्ट, क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत तगड़ी बात कह दी कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर होना जरूरी नहीं है, बोलो क्लियर, वो उसके बाहर भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, वो जो छल्ला होता है, छल्ला रिंग अंगूठी, अंगूठी का सेंटर ऑफ मास बेटा बीच में होता है, अब देख लो यहाँ पे क्या, हवा क्या है, हवा, तो हवा होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, देख रहे हो, क्लियर हुआ, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, बल्कि ये छल्ला है, मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बोलो क्लियर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, चूजिंग ओ एज द ओरिजिन, ये तो देख लिया यार, दो बार क्यों आ गया, चलो ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया। अगला, इन सिमेट्रिकल बॉडीज, अब बात कर लो सिमेट्रिकल बॉडीज जो आपको अच्छी लगती है, मैं बोलूंगा बेटा स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आप बच्चे बचपन से ही पढ़ोगे, सर जी दिमाग लगा लेंगे इतना हम, सर जी एक डायगोनल यहाँ से फेंको, एक डायगोनल यहाँ से फेंको, दोनों कट गए, वहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा, बोलो, बोले ऐसा नो, मम्मी घर में रोटी भी देती है, बोले बेटा रोटी को काटो तो बीच से काटते हो सिमेट्रिक, खाया ना, और उसका सेंटर भी बनाओगे तो क्या करोगे, दोनों डायगोनल करके बीच में सेंटर बनाओगे, बोले ऐसा नो, क्लियर ना। तो द पोजीशन, द सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं कि रोटी आधी इधर से भारी है इधर से दुबली है, अगर रोटी इधर से भारी हुई तो सेंटर ऑफ मास खसक के यहां आ जाएगा भाई साहब, ठीक है ना, क्लियर हो गया, हाँ। तो द सिमेट्रिक बॉडी इज हैविंग होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन मास, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब कि अगर कोई बॉडी आपकी जो है सिमेट्रिकल बॉडीज जो भी हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करेगा, किससे कोइंसाइड करेगा बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर से, समझ में आ गया। अगला, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट अनचेंज इन रिटेन रोटेशनल मसल, अब भैया देखो तुम ये सेंटर ऑफ मास है तुम्हारी, ये तुम घूम रहे, बोलो हाँ, अब अगर आप इस बॉल को खसकाते ले जाओ, बोलो हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां मूव करेगा कि नहीं करेगा, बट यदि इसको घुमा रहे हो यार तो सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं तो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, वहीं रहेगा। तो लिखा है इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन वही मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, चेंज होगा, मगर रिमेन्स अनचेंज इन रोटेशनरी मोशन, रोटरी मोशन में इसका सेंटर ऑफ मास कोई परिवर्तित नहीं होगा, बोलो क्लियर हुआ, मतलब अपनी जगह नहीं बदलेगा, मतलब अपनी जगह नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। अब देखिए एक मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन, मैंने बताया था ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, दूसरा है रोटेशनल मोशन, एक और मोशन है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन, तो देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन क्या है भैया, इफ अ रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी परफॉर्म अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी अंडर गो द सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, रिजिड बॉडी परफॉर्म एट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द मोर अंडर गो सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। देखो भैया ये आपके पास कोई ब्लॉक है, ये खसक कर करके यहां से यहां गया, बोलो हाँ, तो ब्लॉक का ये वाला हिस्सा यहां पर पहुंच गया, अगर ये 6 मीटर चला है तो ये वाला भी कितना चला है, 6 मीटर तो चलेगा क्योंकि वो आगे तो ये पीछे है, हाँ जी क्लियर हो गया ना, हाँ। रिजिड बॉडी परफॉर्म्स प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी अंडर गो सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। रोटेशनल मोशन, अ रिजिड बॉडी परफॉर्म प्योर रोटेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द ऑल द सर्कल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एक्सेस ऑफ द रोटेशन। अब फील करो भाई इस बात को, ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, कोई पत्थर है, कुछ भी है, ये आपने बना लिया, बोलो हाँ, ये इसकी एक्सेस है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, बोलो हाँ, है ना। अब ये घूम रहे हैं भाई साहब, तो ये पार्टिकल घूमेगा यहाँ से, बोलो हाँ, ये पार्टिकल जब घूमना शुरू हो गया तो पीछे का चक्कर करके आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा,
मतलब इसने क्या बनाया, सर्कल बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। अब ये वाले पार्टिकल पर विचार करो, ये भी तो बेचारा घूमेगा ना, पीछे से करते हुए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब क्या है, ए रिजिड बॉडी परफॉर्म प्योर रोटेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल, मूव इन अ सर्कल एंड द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल। बेटा जितने भी इनके सबके सेंटर कहां पे हैं बोलो, सेंटर ऑफ मास से जाते हैं ना, ऑल द सर्कल लाई इन द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन पे होंगे। क्लियर हो गया? मतलब नीचे वाला पार्टिकल का भी सेंटर यहीं पर बनेगा, ये देख लो, इसका भी यहीं पर बनेगा। मतलब सबके सब सेंटर एक पॉइंट पे नहीं होंगे, एक लाइन पे होंगे। क्या होंगे? एक लाइन पे। उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सेस। क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? और आप अलग अलग एक्सेस ऑफ रोटेशन ले सकते हो, अलग अलग एक्सेस ऑफ रोटेशन ले सकते हो। और एक्सेस ऑफ रोटेशन बदल दोगे तो सेंटर ऑफ मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। काय को बदलेगा यार? सेंटर ऑफ मास काय को बदलेगा? मास का सेंटर तो वहीं रहेगा जहां पे है, बोले ये सानू। क्लियर है? अब बात करते हैं, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन बदल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। एक्चुअली जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया दो टाइप के हैं। जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी, फिजिक्स की शुरुआत की थी, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा इनर्शिया दो टाइप का आप पढ़ोगे। एक है लीनियर इनर्शिया, एक है क्या, जब बॉडी सीधे रास्ते में चलना शुरू करेगी, स्ट्रेट लाइन में जो भी काम होगा तब लीनियर इनर्शिया काम करेगा। और दूसरा, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो इसका नाम होगा रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया, ये सुनो क्या कहता था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। और ये सुनो, अगर कोई रिजिड बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, वो रोटेशन स्टार्ट करना नहीं चाहेगी। बोले ये सुनो, दूसरी बात करते हैं, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी। बोलो हाँ। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेटरी मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली रोटेटरी मोशन करती रहेगी। समझ गए ना? मतलब ये अपनी चेंज नहीं करना चाहेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? लीनियर इनर्शिया क्या था? लीनियर इनर्शिया क्या था? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, है ना, बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। याद आया? वहां चलाना था, यहां घुमाना है। रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोजेस द रोटेटरी मोशन। अगर रुकी है तो घूमने का अपोज करेगी, और अगर घूम रही है तो रुकने का अपोज करेगी। बोलो, आई बात समझ में? ठीक ना, अगर घूम रही है तो रुकने का अपोज करेगी। क्लियर है? मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, तो स्टार्टिंग में आप घूमना नहीं चाहोगे, और घूम रहे हो, घूम गए तो इतना जल्दी रोकना संभव नहीं है। पंखा जब चलता है स्टार्ट में, पंखा जब चलना स्टार्ट होता है ब्लेडों वाला, है ना, पहले धीरे धीरे घूमेगा क्योंकि रेस्ट में था। बोलो ऐसा नो। और फिर फुल स्पीड में घूम रहा है, आपने बटन ऑन किया तो सटाक से रेस्ट पे नहीं आता है, थोड़े देर बाद आता है, आता है कि नहीं आता है? तो वही है भैया, ये जो फीचर है, ये जो गुण है, जो रेस्ट है तो मोशन में एकदम नहीं आने देता यकायक, और मोशन है तो रेस्ट में नहीं आने देता, इस गुण को क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। अब ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है भाई साहब, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, ये सुनो फील कर लो। जो छोटा पंखा होता है, जो शोरूम वगैरह में लगा रहता है, छोटी जगह में, छोटी दुकानों में छोटा पंखा लगा रहता है, देखा ना, बड़ी जल्दी ये बटन दबाया एकदम, और रुकता भी बड़ी जल्दी है। बोलो हाँ, है ना। और बड़ा पंखा, बड़ा पंखा बड़े आराम से स्टार्ट होगा, और रोकने के बाद भी बंद करोगे स्विच तो घूमते घूमते देखते देखते थक जाओगे, रुकता नहीं है। ये सुनो, मतलब इसकी दिक्कत कम है, मतलब इसका इनर्शिया कम है। इसका इनर्शिया क्या है और इसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा।
समझ में आया? इसकी दिक्कत ज़्यादा है, दिक्कत यानी इनर्शिया ज़्यादा है, और इसका इनर्शिया क्या है? कम है। तो इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बोलो हाँ, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। अभी ऐसे समझ लो, फॉर्मूला इनर्शिया का एक नहीं होता बेटा, बहुत होते हैं, बट फिर भी ऐसे समझ लो, इसका इनर्शिया ज़्यादा और इसका इनर्शिया कम। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो रेडियस बढ़ गई है, देख लो इसमें रेडियस बढ़ गई है, बड़े वाले पंखे में रेडियस क्या हो गई है? बढ़ गई है। बोलो बढ़ गई ना, पंखे की रॉड बढ़ गई है वो, तो रेडियस बढ़ गई तो इनर्शिया ज़्यादा हो गया, और इसमें रेडियस छोटी हो गई तो इनर्शिया कम हो गया। बोलो क्लियर एकदम? तो भाई साहब, अब हम कल से पढ़ेंगे आपका, हम कल पढ़ाएंगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम एल से शो करते हैं। बट आपको याद होगा कि लीनियर इनर्शिया एक क्वालिटी थी, एक नेचर था, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते थे, बस हम उसको रिलेट कर पाते थे कि इनर्शिया इज़ द मेज़र, मास इज़ द मेज़रमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इज़ द मेज़रमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो मास अगर ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, हम रिलेट कर पाते थे। बट हम ये नहीं कहते थे कि मास इक्वल टू इनर्शिया, हम ऐसा कभी कह नहीं सकते थे। हम कहते थे अगर जितना ज़्यादा जो भारी होगा उतना आलसी होगा, तो हमने मेज़र किया था। बट यहाँ पर हम इनर्शिया को कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, ठीक है? इनर्शिया को हम आपको कैलकुलेट करके ही बताएंगे डायरेक्टली, वहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, वहाँ पर हम रिलेट करते थे मास से, बट यहाँ पर आपको मास से रिलेट नहीं करेंगे, यहाँ तो हम पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? और भैया एक्सेस पे डिपेंड करेगा, एक्सेस पे डिपेंड करेगा, भूल जाए तो याद करना, जब आप स्केल घुमाते थे तो यहाँ तो स्केल स्मूथली घूमती थी, यहाँ और थोड़ा मुश्किल से, यहाँ और मुश्किल से, और लास्ट में जो गोला था उसमें लचक बड़ी बढ़ जाया करती थी, बड़े आराम आराम से घूम, होले होले, हाँ या ना? क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बढ़ जाती थी, यस और नो? तो इस वाले सीन में इनर्शिया क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। क्लियर हो गया? ठीक है, यस। तो पिछले सीन में, पिछले चैप्टर के सीन में था, वो कौन था जो इनर्शिया को ब्रेक कर सकता था, लीनियर इनर्शिया को? उसको बोलते थे फोर्स। कौन था? भंग कर देता था, बल फोर्स इनर्शिया को ब्रेक कर देता था। और यहां पर जो रोटेशन का इनर्शिया है, जो घूम रही है तो घूमती ही रहेगी, उसको ब्रेक करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? इसमें फोर्स नहीं चलेगा भाई साहब, इसमें काम करेगा टॉर्क। क्या काम करेगा? टॉर्क, यस और नो? क्या काम करेगा? टॉर्क। झूला घूमा जा रहा है, झूला घूमा जा रहा है, आपको अपने दोनों हाथ पकड़ करके ऐसे रोकना पड़ेगा, या एक कम से कम को, आप उसमें ऐसे धक्का नहीं मारेंगे, तो जो लगाना पड़ेगा वो क्या है? टॉर्क। तो वहां पर इनर्शिया को कौन तोड़ता था? फोर्स। और यहां पर इनर्शिया को कौन तोड़ेगा? टॉर्क। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं, कल हम कराएंगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया शानदार तरीके से, और आगे इसकी स्टडी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। धन्यवाद।